प्रदेश सरकार जहां एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी एक साल के कार्यकाल को लेकर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश भर में भाजपा पर चौतरफा हमला किया और प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को जन विरोधी करार दिया। मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश सरकार बनी है, प्रदेश में अपराध बढ़ा है और एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को वर्तमान सरकार ने और कर्जे में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि अब उसी पैसे से वे एक साल का जश्न मनाने जा रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा की कथनी करने में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात करती है, मगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ सरकार ने शराब ठेका खोल रखा है। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था का जो सवाल है, जिस पे उन्होंने पहले हो हल्ला मचाया था, तो कसौली हत्याकांड हुआ, कांगड़ा में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई और उनकी हत्या कर दी, तो कानून व्यवस्था पे भी ये अंकुश लगाने में नाकाम हुए हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार बनी है, हमारे अपराधों में जो हत्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, दहेज हत्याकांड ड्रग माफिया के कारण, इसमें हर अपराधों में बढ़ोतरी की, भाजपा सरकार जब से बनी है इसमें बढ़ोतरी लगातार हो रही है। और भाजपा सरकार लगभग, जयराम सरकार एक साल में लगभग 2000 के करीब कर्जा ले चुके हैं और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अब जयराम सरकार उन्हीं कर्जों के पैसों से धर्मशाला में जश्न मनाने जा रही है। ये सरासर पैसों का दुरुपयोग है। हिमाचल वित्तीय संकट से जूझ रहा है और जयराम सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और मुझे लगता कि हिमाचल सरकार एक साल में कर्जे के बोझ तले पीसी जा रही है और जो कर्जे के पैसे हैं इसका दुरुपयोग जश्न में किया जा रहा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसी के बगल में जो सरकारी भूमि बस स्टैंड की थी, तो वहां पे उन्होंने ठेका खोल दिया शराब का। तो उनकी ये नियत और जो उनका चरित्र है उस पे सवाल उठा रहा है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। धन्यवाद। वहीं सुंदरनगर में भी अध्यक्ष पवन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता आयोजन कर भाजपा पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक वर्ष का कार्यकाल मैजिक ड्रामा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि एक साल में भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों ने सिर्फ उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जो कि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थी। 24 तारीख को जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार घाट का दौरा किया और वहां जो शिलान्यास या उद्घाटन किए या कुछ दिया, वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत था। चाहे वो रोड की बात थी, रोड जो वो बोलते हैं कि 26 करोड़ से हमने सड़कों के लिए दिया, वो सारा पैसा 2016 और 17 में स्वीकृत किया है, उसका चाहे आप सूचना के अधिकार से आप ब्यौरा भी ले सकते हैं। और जो ठाणा की बात करते हैं, ठाणा कांग्रेस के टाइम में बलदौड़ा ठाणा बना था, उसके बाद उसको डीनोटिफाई किया गया और उसको चौकी बनाया गया एक राजनीति के तहत, आज उसको फिर बाहर कर दिया गया। तो मेरे को समझ नहीं आई कि इनका क्या नाटक है। एच टुडे के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।